रविशंकर अय्यर जी का सस्पेंशन हुआ है प्रधानमंत्री के बारे में उनकी टिप्पणी को लेकर। प्रधानमंत्री को उन्होंने नीच आदमी कहा, जिससे आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है। ऐसी भाषा किसी भी व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपने गिरेबान में और अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में, जो इस देश के लोगों को बयान देने पर हाथ काट लेने की बात कहते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोलेगा तो बिहार का बीजेपी का अध्यक्ष कहता है उसका हाथ काट लिया जाएगा। गिरिराज सिंह इनका केंद्रीय मंत्री है, कहता है पाकिस्तान भेज दिया जाएगा अगर मोदी जी के खिलाफ बोलोगे तो। और इनकी एक मंत्री ने तो दिल्ली के चुनाव में जिस शब्द का इस्तेमाल कर दिया, राम जादे और आगे वाला मैं बोल नहीं सकता टीवी पे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल हिंदुस्तान की राजनीति में एक संवैधानिक पद पर रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। क्या आपको याद नहीं कि सोनिया गांधी को जर्सी गाय से संबोधित किया था मोदी जी ने? आपको याद होना चाहिए कि राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा था नरेंद्र मोदी जी ने। आपको याद होना चाहिए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की भाषा बोली थी नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में अभद्र भाषा का इस्तेमाल और राजनीति के स्तर को नीचे ले जाने का, गिराने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में किया है, उसका कोई राजनीतिक दल मुकाबला नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी को भाषा के सुधार के लिए सबसे पहले अपने ओर ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार दोहराता हूं कि जब भाषा के प्रयोग पर भाजपा ही बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। तो इसलिए पहले बीजेपी को अपनी भाषा सुधारनी चाहिए।